ਅੱਗੇ ਕਰ ਕੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਸਾਰਾ ਤਨ ਕਮਾਨ ਐਸਾ ਤਾਂ ਕਿਤਾ ਉਹਦਾ ਮੰਗਾਈ ਕੀਤਾ ਮੰਗਾਈ ਕਿ ਹੋਗਾ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ 500 ਦਾ ਲੀਟਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਰੇ ਕੀ ਆਵਾ ਮੈਂ ਦੱਸ अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान नज़ीम शबीर, आपके स्टूडियो में हाजिर है और आप इस वक्त देख रहे हैं फ्रीडम पीपल नेटवर्क सियालकोट। अभी जैसा कि आप लोगों को पता है, लेटेस्ट जो न्यूज़ इस वक्त जो चल रही है कि जो पेट्रोल की मजदूरी कीमतों है उसमें इजाफा कर दिया गया है। इसके अलावा जो बिजली की पर यूनिट है उसमें भी इजाफा कर दिया है। बहुत बड़ी खबर है कि पेट्रोल 500 रुपये लीटर करने की तजवीज़ दी गई है और जो बिजली है वो पर यूनिट 100 रुपये करने की तजवीज़ दी गई है। और ये तजवीज़ हमारे सबका जो गवर्नर है पंजाब के, उन्होंने दी है। इस वक्त जो मुल्की सूरत हाल है वो आप लोगों के बिल्कुल सामने है कि पहले ही मुल्क में महंगाई अरूज पर है और उसके बाद ये मजीद महंगाई करना, क्या ये आवाम के ऊपर जाती नहीं? क्या ये आवाम के ऊपर जुल्म नहीं कि हर दौर में पाकिस्तान में खसूसन के गरीब तबका ही पिसा जाएगा? इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक नान वाले अड्डे पर। वहाँ पर मैं कुछ ऐसा वाक़ हुआ है कि मैं रोटी लेने आया था और मैंने रेट जब पूछा है तो मुझे 25 रुपये रोटी का बता रहे हैं और अभी वो मुझे ये बता रहे हैं कि आटा मजीद महंगा हो रहा है और हो सकता है कि ये 30-35 रुपये तक जो है रोटी चली जाए। खान भाई इधर मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं, इतना रेट क्यों उन्होंने बढ़ा दिया है? अस्सलाम वालेकुम खान भाई, कैसे? अल्लाह का शुक्र है। क्या मसला है कि रोटी का रेट क्या है सर? आटा महंगा हो गया, पहला रोटी था 15 का, फिर 20 का हो गया, अभी 25 का बैग नखरे कर रहे, लड़ाई करने कर रहे, 25 का क्यों हो गया? अभी 2-3 दिन बाद फिर 15,000 तक पूरी पहुँचने, आवाम करे कि सारा तो लड़ाई कर लगे कहना 25 की रोटी क्यों है? वैसे आटा जो मिल भी रहा है या फिर क्या उसमें कुछ दुश्वारी, क्योंकि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में आटे का बहरान है। बस की कर आवाम यही करना, बस को आवाम कहना महंगाई क्यों, तेल महंगा हो गया 500 लीटर पहुँच गया, करे की आवाम है दस, हर गाक नखरे करे, हर गाक आंदे कहना महंगा क्यों है रोटी, महंगा क्यों? अभी पूरी 4,000 तक पहुँचने और 15,000 तक पहुँच गए। आपकी तनख्वाह कितनी है, कितना कमा लेते हैं महीने? हम महीने तक कितना कमा गए, कमाने बस वापस कोई काठे वालों देने और यही कमाने, और कितना कमाएगा, कोई किराया नहीं निकल सकता अभी। और की क्या, पहला आटा सस्ता सा, किराया निकलना से हर चीज घर तक किराया निकलना से, अभी अन्य महंगाई हो गए, घर तक किराया भी नहीं निकल सकता। वो हम करे कि अभी गा के मैं ना लड़के टोर गया कहना मैं नहीं लड़ा, इन्ना महंगा क्यों है रोटी, करे बंद कि सारा वो हम तबाह हो गया, घर के गए इन्ना महंगाई है, बंदा कर रोटी ले लिया, बंदा आटा नहीं ले सकता अभी तक। हुकूमत ने जो अगले दिन बजट अपना पास करवाया वे $10 मिलियन का, उस बारे में की कहना चाहोगे? वो भी लगेगा पाकिस्तान के, वो भी खा हरम दे, वो भी वही कहा था अभी इन्ना महंगाई आगे करे किया तो मैं करना किया सारा तेन कमाने से था कितना वजह महंगाई की था। तो जी नाजिन, ये आपने देखा है कि खान भाई कितने गुस्से में थे और इनका ये हक बनता भी है, क्योंकि इस वक्त जो मुआशी सूरत हाल है पाकिस्तान की वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। हर बंदा परेशान है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, लेकिन बिलखसूस गरीब आवाम बहुत ज़्यादा पिसती है। अमीर फिर भी अपना गुजारा कुछ ना कुछ करके कर लेता है, लेकिन गरीब आवाम जिसकी दिहाड़ी 1500, 1000 या 2000 है, वो अपना गुजारा कैसे करेगी? अगर फर्ज करें, अगर ये बिल मंजूर हो जाता है 500 रुपये लीटर पेट्रोल और फी यूनिट 100 रुपये हो जाता है, तो गरीब आवाम के लिए ये बहुत बड़ी ज्यादती है, बहुत बड़ा जुर्म है। के साथ अपने होस्ट नजम शबीर को इजाजत दीजिए, कैमरामैन अपने होस्ट नजम शबीर को इजाजत दीजिए, कैमरामैन मुजम्मल हुसैन के साथ फ्रीडम पीपल नेटवर्क चलते हैं।